नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरदित सिंह। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट लाइव। तो हम हमेशा ही ट्रांसपोर्ट से जुड़ी ही आपके साथ बातचीत करते हैं, चाहे भाड़ों की बात हो, चाहे आज बात करेंगे हम एक ट्रांसपोर्टर भाई प्रधान जी हैं, उनके पास हम पहुंचे हैदराबाद के अंदर। खुद वो अपना परिचय देंगे, कैसे जो है वो काम करते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, क्या क्या जो परेशानी आ रही है आजकल ट्रांसपोर्ट का काम करने में। गाड़ी भी काफ़ी महंगी हो गई है और कहां से कहां जो गाड़ी लेकर ये चलते हैं, सारी चीज़ें बताएंगे और कौन सा लोड कहां से मिलता है, वो सारी बातचीत हमारी साथ होगी आज। सर नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका जी? अपना सत्यवान चौधरी है, ट्रांसपोर्ट कंपनी का नाम है यूनाइटेड फ्रेट कैरियर। ठीक है सर। हाँ जी, अपना मतलब पूरा कंटेनर का ही काम है। हाँ, अपनी ज़्यादातर महाराष्ट्र गुजरात नॉर्थ लाइन है। अच्छा जी। हाँ जी। तो सर कितने कितने फुट लंबी गाड़ियाँ आपके पास अवेलेबल? अपने पास 20 फीट, 24 फीट, 32 फीट सिंगल एंड मल्टी अवेलेबल रहती हैं। ठीक है सर। हाँ जी। तो सर कहाँ कौन कौन से शहर गाड़ी चलती है, कितने रुपए किलोमीटर खर्च आप ड्राइवर को देते हैं, क्या है पूरा अपना चक्कर का बजट, कितने दिन में चक्कर लगता है? देखिए हमारे पास तो 6 टायर वाली गाड़ी है, अपना मतलब 32 फीट वाला, बाकी मार्केट का गाड़ी लोड करवाते हैं 20 फीट, 24 फीट और मल्टी एक्सल। 32 फीट में 23 रुपया किलोमीटर का देते हैं ड्राइवर को, और ड्राइवर को देते हैं जी खर्च। उसमें सारा कुछ है, डीजल, टोल टैक्स, आरटीओ खर्चा। उसमें ड्राइवर का खर्चा, डीजल का खर्चा, किलोमीटर ये अपना टोल का खर्चा और उसका खाने का खर्चा रहता है। अगर गाड़ी डिटेंशन हाल्ट होती है तो उसको हम देते हैं 250 रुपया भत्ता। अच्छा। और 7000 रुपये हम पैगार देते हैं। ठीक है जी। हाँ, लेकिन ड्राइवर को तो अच्छा बच जाता है, लेकिन आजकल मोटर मालिक परेशान है। हाँ, क्योंकि गाड़ियों की कीमत है वो इतनी बढ़ गई है कि वो एक साथ में यूरिया का सिस्टम लगा दिया है, उसमें किलोमीटर के लगभग 27 से ड्राइवर को खर्चा देके 27 से 28 रुपया किलोमीटर का एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। अच्छा जी। हाँ, और देखे जाए तो इसमें मेंटेनेंस खर्चा भी ज़्यादा रहता है। हाँ जी। हाँ, क्योंकि इसमें आजकल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, कहाँ कुछ हो जाता है तो उसमें मालूम नहीं रहता। हाँ जी। हाँ, तो ये नया नया मॉडल आ रहा है तो इसमें ये परेशानियाँ हो रही हैं। सर आप कौन सी गाड़ी, 32 फुट गाड़ी की बात कर रहे हैं ना? हाँ, 32 फुट की गाड़ी की बात कर रहे हैं जी। हाँ जी। हाँ, वैसे तो आजकल क्या है, यूरिया ये BS6 यूरो आया है, तब से यूरिया तो सब में ही दे दिया। हाँ जी। लेकिन कुछ गाड़ियों में क्या है, जैसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हाँ जी। हाँ, तो इसमें क्या है, अगर बारिश यूरिया लेके डाल दें तो गाड़ी में वायरस आ जाते हैं। हाँ जी। फिर वो मिस्त्री को बुलाओ, 2 दिन खड़े रहो, फिर दिक्कत ही दिक्कत रहता है। हाँ, जो पहले सिंपल गाड़ियाँ होती सर काफ़ी अच्छी, कहीं मिस्त्री ठीक कर देता था। सबसे अच्छा BS4 गाड़ी था। हाँ जी। जहाँ कहीं भी मतलब रास्ते में भी इतनी परेशानी नहीं हुई। हमारे पास टोटल लगभग मान के चलो 22 गाड़ियाँ हैं। अच्छा। जिसमें से हमारे पास 17 गाड़ियाँ हैं वो BS4 ही गाड़ियाँ हैं। हाँ, लेकिन अभी BS6 आया ना। हाँ, तो उसमें परेशानी हो रही है। हाँ जी। हाँ, तो ये तो सर गाड़ी की बात होगी है ना जी। तो गाड़ी का कम से कम जो पहले वाली गाड़ी से कितना फर्क आ रहा है रेट का जी? रेट का फर्क आ रहा है 6 लाख के आसपास फर्क आ रहा है। अच्छा। पुरानी, हाँ, पुरानी गाड़ी में और नई गाड़ी में 6 लाख का। हाँ जी। क्या इतना भाड़ा बढ़ा है सर, क्या 6 लाख का डिफरेंस गाड़ी में आ चुका है? भाड़ा बढ़ा कहाँ है, घटा है भाड़ा। तो एक तो डीजल ऊपर से बढ़ गया, एक गाड़ी का वैल्यू बढ़ गया। हाँ जी। हाँ, तो इसमें आजकल नया गाड़ी मतलब सिंगल मोटर मालिक के चलाना एक महाभारत के बराबर है। हाँ जी। हाँ, तो सर मान लीजिए कौन सी जगह आपकी गाड़ी चलती है सर, कौन से शहर अप डाउन गाड़ी कितने दिन में करती है, कितना खर्चा जाता है, कौन से शहर जाती है? अपनी गाड़ी ज़्यादातर हैदराबाद से अहमदाबाद जाती है, गुजरात लाइन ज़्यादा है अपनी खुद की पर्सनल गाड़ियों की। ठीक है। हाँ, वैसे तो मार्केट की गाड़ियाँ जैसे नॉर्थ में जाती है और महाराष्ट्र में जाती है उनका अलग है, लेकिन अपनी गाड़ियों की बताता हूँ मैं आपको। हाँ जी। कि लगभग यहाँ से जाने में गाड़ी को 30,000 रुपये का खर्चा रहता है। अच्छा। और यहाँ से जाने के? हाँ, जाने का और आने का 30,000 रुपये टोटल, गाड़ी का 60,000 रुपये खर्चा रहता है। हाँ जी। तो उसमें ड्राइवर का पैगार और ड्राइवर का भत्ता एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है जी। हाँ जी। तो उसमें आप देखेंगे तो मतलब यहाँ से लगभग मान के चलो 24 से 25,000 रुपया अपने को जाने का भाड़ा मिलता है। और बहुत सर खर्चा 30,000 है भाड़ा, जाने का इधर से 24,000 है। हाँ, जाने में घर से 6-7,000 रुपये पॉकेट से लगा के गाड़ी भेजना पड़ता है, लेकिन रिटर्न अहमदाबाद से आने में 56-57,000 रुपये भाड़ा रहता है। अच्छा। तो आजकल गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ जी। हाँ जी। तो सर ये तो हो गया, यानी कि 56, यानी कि आपका 27,000 रुपये एक चक्कर का या 30,000 बच जाता होगा? नहीं, 30,000 कहाँ बचता है, मुश्किल से 20,000 रुपया ट्रिप का बचता है। 20,000 रुपये ट्रिप का बचता है ना, यहाँ ड्राइवर का भी खर्चा निकाल के? ड्राइवर का पूरा खर्चा निकाल के 20,000 रुपये ट्रिप का होता है, और महीने में 3 ट्रिप मुश्किल से होती है। अच्छा। जो कि अभी BS6 गाड़ियाँ आई है तो उनका एक नॉर्मल सा
36 मंथ का किया जाए ना ईएमआई, हाँ जी, तो 70,000 रुपये के आसपास ईएमआई बनता है, हाँ जी, और 20,000 रुपये के हिसाब से देखा जाए अगर टाइम टू टाइम माल मिले तो 3 ट्रिप मुश्किल से लगती हैं। अच्छा जी। जो कि जाके मतलब 50 से 60,000 रुपये बनता है। हाँ जी। हाँ, वो तो भी गाड़ी अगर सही सलामत चले, सही सलामत चले तो ही बनता है ये। हाँ जी। अगर गाड़ी कहीं माल के लिए रुक गई या फिर मतलब कहीं गाड़ी अनलोडिंग के लिए रुक गई तो वो मुश्किल हो जाता है, महीने में जोर मार के 40,000 रुपये मुश्किल से होता है। जो सर सेंसर वाली गाड़ियाँ आ रही है ये भी काफ़ी सेहत दर्दी बनी हुई है ट्रांसपोर्टरों के लिए कि सेंसर वाली गाड़ियाँ एक तो रिपेयर नहीं होती है, एक तो इनके जो लैपटॉप के बिना जो सेट नहीं है, कई बार दिल्ली तक के भी मिस्त्री सर बुलाने पड़ जाते हैं। हाँ, बुलाने पड़ते हैं। ये आजकल जो सेंसर BS6 यूरो जो गाड़ी आया ना उसमें हर जगह सेंसर ही सेंसर दिया, क्योंकि वो ऑल टोटली पूरी गाड़ी है ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, ठीक है। तो उसमें नए नए जो आ रहे हैं पार्ट से, तो उसमें अपने जो पुराने मिस्त्री हैं BS3 BS4 के, तो उनको ये मालूम नहीं रहता है कि कहाँ से क्या दिक्कत हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसलिए जो अपना कंपनी से ही जो मैकेनिक आते हैं उनको थोड़ा नॉलेज पहले प्रैक्टिस किया हुआ होता है, तो वो ही बता सकते हैं कि भाई इस गाड़ी में ये दिक्कत है। सर जो 10 चक्का गाड़ी है उसका भी बराबरी खर्चा रहता है, उसका ज्यादा रहता है? उसका 10 खर्चा का क्या है, 32 फुट का, 32 फीट 6 टायरी है और उसके भाड़े में 5 से 7,000 रुपये का डिफरेंस रहता है सिर्फ। हाँ, हम देखेंगे तो मतलब क्या किया जाए कि अपना जैसे 10 टायर जाए बार में साथ में डलवाना पड़ता है, एक में 6 टायर डलवाना पड़ता है, तो उसका भाड़े में और उसके ड्राइवर के खर्चे में डिफरेंस रहता है, तो इतना कोई एक्स्ट्रा भाड़ा नहीं मिलता। हाँ, जो कि 10 टायरी गाड़ी अपना चला सके। हाँ जी। हाँ, तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि 6 टायर वाली गाड़ियाँ आना वो लगभग आदमी के लिए ठीक है। हाँ, कोई भी अगर गरीब से गरीब भी ड्राइवर भी खुद लेता है तो उसको अच्छा पड़ता हो जाता उसमें। तो ये थे यहाँ के ट्रांसपोर्टर, आपको सारी चीज़ें भाई साहब ने बताई है। तो इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ऐसे हम वीडियो हर पूरे देश से हर जगह से आपको कोशिश करेंगे कि आपको सही खर्चा सही भाड़ा और सही तरीके से आपको जानकारी हम देते रहेंगे। इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ट्रांसपोर्टर लाइव देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।